सच में ऐसा करोगे? यदि गांव में किसी को पता चल गया कि सुभान को भगाने में आपका हाथ है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी सरकार। उसे भगा कौन रहा है? मैंने जो कार्य उसे सौंपा है वो पूरा करके यहाँ से निकलेगा तो अवश्य, किंतु मेरे लठैत उसे गांव की सीमा पर ही पकड़ लेंगे और इस तरह डाकू को पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार मुझे पुरस्कार भी देगी और उस फकीर से मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। इसे कहते हैं ना लगी हींग ना फिटकरी, रंग भी आए चौका। क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों? संभव नहीं है, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। Oh,
माई माई की तो सांसें रुक रही है। जानता हूं किसी को जीवन देना मेरे नहीं सिर्फ आपके वश में है, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बख्श दीजिए इन्हें। जानता हूं वक्त हो चुका है इनका, आयु समाप्त हो चुकी है इनकी, लेकिन जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। कीचड़ में उगने के बावजूद भी अपनी पवित्रता को बचा के रखने वाली कमल की जिंदगी जी है इन्होंने। अपने बच्चों के भविष्य की, अपनी बूढ़ी सासू माँ की फिक्र है इन्हें। कोई नहीं है उन्हें देखने वाला, क्या इनके कर्म और अच्छाइयों का थोड़ा सा मोल नहीं दे सकते हैं हम इन्हें? आपने पहले भी कई बार कुछ लोगों को उनके कर्म और अच्छाइयों के आधार पर जीवन दान दिया है, क्या इनके कर्मों के आधार पर इन्हें और समय नहीं दे सकते हैं? चाहे तो आप मेरे हिस्से की कुछ सांसें दे दीजिए इन्हें। समय आया हूं, मैं बहुत डर गई थी मैं मर जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता। जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, राम जी की लीला वहीं से शुरू होती है। Thank you.
महसूस कर रही हूँ। इतने सालों से पूरे समय छाती में भारीपन सा रहता था, दर्द रहता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, जैसे मुझे पहले कोई बीमारी थी ही नहीं। पल भर की बेहोशी उम्र भर की बीमारी को अपने साथ ले गई। कौन हो तुम? एक बुड्ढे को मारने में वो इतना समय क्यों लगा रहा है? क्या हुआ सरकार? उठाओ उसे। अर्थ क्या है? बड़ा आदमी ना तू, इतनी बात नहीं समझता कि जब कोई पैसा लौटाता है वो तेरा काम नहीं करना चाहता। मैं तेरा काम नहीं कर सकता। तो निकल यहां से, नहीं तो हल्ला मचा के गांव वालों को जगा के उनको बता दूंगा कि तेरा इरादा क्या है। जा यहां से। मना क्यों किया? अरे हाथ में पैसा भी था और भागने का मौका भी। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन हैरान हूँ। क्या कह रहे थे कि क्या संभव नहीं है? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस समय जब मैंने फकीर की तरफ देखा तो बाबा दिखाई दिए, उनके हाथ भी ऐसे ही बंद हुए थे फकीर की तरह। बाबा, तो फिर फकीर की जगह बाबा कैसे दिखे तुम्हें? अरे ये तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने उस मंजर को देखा तो फकीर के ऊपर वार करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। ऐसा लगा कि मैं फकीर पर वार करूंगा तो मैं अपने बाबा को मार दूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो वह फकीर ही दिख रहा था और अब भी वही दिख रहा है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया? क्या ये मेरा भ्रम था? आज तक कितने लोगों के साथ मारपीट की, जान भी ली, लेकिन इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला जो इस फकीर को बख्श के मिला। कैसा? हल्का, बहुत हल्का, जैसे बोझ कम हुआ हो। बोझ तो कम होगा ही, क्योंकि आज पहली बार तुमने अपने अंदर के लालच और क्रोध को अच्छाई और मानवता के लिए त्यागा है सुभान। जिस दिन यह आदत बन जाएगी, जीवन में सुख ही सुख होगा। पता, तू जागा हुआ था? जब जाग रहा था तो चीखा क्यों नहीं, चिल्लाया क्यों नहीं? अरे सच में मार दिया था मैंने तुझे, और मैं तुम्हें क्षमा कर देता। कुछ लोगों की वजह से जो ये क्रोध की श्रृंखला शुरू हुई है, हो सकता है मेरे बलिदान से खत्म हो जाती, और अगर मेरी प्राणों की आहुति से दूसरों की जान बचती है तो ऐसे मृत्यु पे मुझे फक्र होगा। मैंने तेरी जान नहीं बख्शी। अरे हुआ ही कुछ ऐसा कि सुना मैंने सुभान,
हो सकता है राम जी तुम्हें तुम्हारे पिता दिखाकर ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा हर शिकार भी किसी का पिता होता है, किसी का बेटा होता है, और ये दिखाकर वो तुम्हें और गलतियां करने से बचाना चाहते हो। अरे सटिया क्या है तू? सटिया क्या है तू? क्या हुआ सुभान? तुम्हें लगता है कि ये फकीर झूठ बोल रहा है? कि जब तुम उसे मारने जा रहे थे इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की? नहीं, मेरे विचार से ये सच बोल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पे वार भी करता तो भी कुछ नहीं करता, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। बस यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों इतना अच्छा बन रहा है। अब तो हाथ धो गई सरकार। आम आदमी तो आम आदमी, ये दो टके का टकैत ये भी आपकी बात नहीं सुन रहा। इन डाकुओं का कोई धर्म, कोई सिद्धांत नहीं होता, ना किसी के प्रति निष्ठा। ये कुलकर्णी सरकार कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की कला आती है मुझे। यदि इस रास्ते काम नहीं हो रहा तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा, किंतु हार नहीं मानूंगा। हरिओ पिताजी। आप यह जांच पड़ताल करने आया था, कहीं मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर तुम लोगों ने कोई मूर्खता तो नहीं की? किंतु तुम सब यहां घोड़े बेचकर सोए हुए थे। लगता है तुम्हारा उस फकीर पर विश्वास उस फकीर जैसे ही खोखला है। मुझे लगता है उस डाकू ने भी भागने की कोशिश की होगी, पर मैं समय पर आ गया था इसलिए भाग नहीं पाया वो। खैर, अब तुम फिर से सोमन जाना, सतर्क और चौकन्ने रहना। पुलिस किसी भी समय आती होगी। मैं नहीं चाहता कि वो ये समझे कि शिरडी अकर्मण्यों से भरी पड़ी है, जो किसी की रक्षा करने के लिए एक रात भी मैदान में डटी नहीं रह सकती। हरिओम। कैसे हो सकता है कि हम सबको एक साथ ही नींद आ गई? थेरेपी पाव फटने वाली है केशव, और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। साई को बचाने के लिए हमें कोई कार्रवाई अभी करनी होगी, क्योंकि सुभान भी अभी जाग नहीं रहा होगा।
आपका हाथ तो। परेशान मत हो केशव, मैं ठीक हूं। अंदेशा था कि ये फकीर कोई चाल चलेगा। जब मौका मिला था मुझे तभी मौत के खाट उतार देना चाहिए था उसे। मैं भी मूर्ख था जो भावना में बह गया। इस दुनिया में कोई भी दया का पात्र नहीं है। यहां सब के सब मतलबी है, स्वार्थी है। किसी को सिर्फ एक ही अवसर मिलना चाहिए और वो मैंने दिया। अगर मुरव्वत की तो जाहिर है फिर से धोखा ही देगा, और मैं किसी को दोबारा धोखा देने का मौका नहीं देता। अगर इस जगह से भागने में फकीर की मौत मेरे लिए मददगार साबित होती है तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।